पहला सवाल, आप पे एक गाना फिल्माया गया है खई के पान बनारस वाला जी। आप पहली बार बनारस आए हैं और आज आपने बनारस, ये बोलना कि मेरा गाना है तो थोड़ा गलत है, अमित जी का गाना है। और मेरे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जब पहली बार मैंने वो गाना किया कि हम बड़े हुए थे वो गाना सुन सुन के, और जेन्युइनली कहीं ना कहीं पर उस उम्र में हमारे लिए बनारस की जो बातें थी उस गाने से बहुत दर्शाई गई थी और बड़ा खूबसूरत था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि मैं बनारस आया हूँ, और सिर्फ उस गाने की वजह से नहीं कि मुझ पर दर्शाया गया, इसलिए क्योंकि मैंने इतना नाम सुना हुआ है वाराणसी का, इसके कल्चर का, इसके यहाँ के लोगों का। अभी टेलीविजन के ऊपर भी जब मोदी साहब आए हुए थे यहाँ पे तो बहुत बारी देखा है, फिल्मों में देखा है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो बनारस की बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो सबसे दुखदायी बात यह है कि मैं एक ही दिन के लिए आया हूँ। तो हम जब वापस आ रहे थे अभी कॉलेज से, तो हम रास्ते में यही पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि यार ये तो बहुत कम वक्फा हुआ, इतने अच्छे लोग हैं और इतने प्यार से इतनी खुशी से मिले हैं, अगर एक दिन, अभी भी मैंने बोला हमारी टीम को यार एक दिन तो यहाँ पे रहना बनता था, बट इंशाल्लाह हम जरूर फिर से आएंगे। और जितना सुना था उससे बहुत ज्यादा पाया वाराणसी। सर ये फिल्म जो आ रही है वो, उस फिल्म को थोड़ा सा बताएं कुछ क्या है, किसको लेकर के है? प्रेम कथा है, इम्तियाज साहब ने डायरेक्ट की है और लिखी भी है, और अनुष्का और मैं हैरी हूँ, ये सेजल हैं फिल्म में। और कहानी का तत्व यही है जैसे प्रेम कहानी का होता है कि दो लोग मिलते हैं, अमूमन जुदा जुदा से होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे ऑपोजिट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक दूसरे की कमियों को वो पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिक तत्व वही है फिल्म का, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज ने उसको लिखा है, वीव किया है, और जैसे वो आगे बढ़ती है, आई थिंक आज की युवा पीढ़ी को, जवान लोगों को एक कहीं ना कहीं मैसेज मिलेगा, जो आप ढूंढ रहे हैं शायद वो भी आपको ढूंढ रहा है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। और इसकी कहानी जो है फनी है, फैमिली फिल्म है, थोड़ा हंसी मजाक भी है, थोड़ा नॉटीनेस भी है, लेकिन आखिर में बहुत ट्रेडिशनल बातें हैं। और इम्तियाज़ की जो भाषा है बड़ी नई प्रकार की है, तो जैसा आजकल का ज़माना है सोशल मीडिया का, तो वर्ड्स नए हैं लेकिन जो एसेंस है, जो मेन फिल्म का थॉट है, वो हमारे जैसे वाराणसी कल्चर में है वैसे ही कल्चरल और ट्रेडिशनल है, जैसे हम प्रेम को मानते हैं। सुना है कि ये फिल्म में आप गाइड बने हैं, सही सुना है। और ये भी सुना है कि आप बहुत चूजी हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, तो इसमें गाइड में क्या दिखा जो क्या मुझे इम्तियाज ने एक बात बोली थी, और अभी बीच में भी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोली ये बात कि अमूमन गाइड का जो कैरेक्टर होता है वो लोगों को राह दिखाता है, चीजें दिखाता है, समझाता है। शायद कभी कभार ऐसे भी कहीं ऐसे क्रिएटिव पोएटिकली या दिमाग में इन्होंने सोचा कि उसको कौन राह दिखाता है, उससे कौन मंजिल तक पहुंचाता है। सारा दिन वो इन अ वे गाइड जो है एंटरटेनर होते हैं, और आपके वाराणसी के गाइड तो बहुत फेमस हैं, मतलब मजाक भी करते हैं, इंटरेस्टिंग तरह से लोगों को जगहें दिखाते हैं, उनको एक तरह से पूरा दिन एंटरटेन करके रखते हैं, लेकिन उनको कौन एंटरटेन करता है, क्योंकि वो तो सेम जगह जा रहे हैं हर रोज और वो सेम चीज कर रहे हैं, तो कहीं उनकी बेजारगी को, उनकी मंजिल को उन्हें उनको कौन पहुंचाता है। सो आई थिंक ये जो आइडिया है मुझे बहुत मतलब कैसे बोलते हैं, डाइकोटमस दो पहलू एक कैरेक्टर के मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। सर अनुष्का मैम और इम्तियाज सर, आप लोगों ने बनारस में भी, आप लोगों ने भी पान खाया, आप लोगों को कैसा लगा? एंड सेकेंडली इम्तियाज सर आपसे कि वर्किंग विथ किंग खान, शाहरुख खान फॉर द फर्स्ट टाइम, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और आप पान के बारे में बोल दीजिए पहले। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मैंने दो खा लिया, मैंने दो लिए थे, एक अपने लिए लिया था, इसने मेरा वाला भी खा लिया, इतना अच्छा लगा, ज्यादा ही खा लिया मैंने। सवाल ये था कि बनारस में चूना ना बनारस का, न कत्था बनारस का, न पत्ती बनारस की, न सुपारी बनारस की, बट पान बनारस का, इसको कैसे आपने एडजस्ट किया? देखिए क्या होता है, कितना अकोमोडेटिंग है शहर जो एक्चुअली जहाँ का जज्बा होता है ना, चीज वहीं की होती है। अक्सर बहुत सारी चीज़ें कहीं की फेमस होती हैं मगर उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो वहाँ के नहीं होते, बट जो वहाँ की जो कला होती है और जो मोहब्बत होती है वो उस जगह की होती है। तो बनारस की चाहे पत्ती ना हो, वो मगध की हो या चूना कहीं और का हो, मगर बनाने का जो तरीका है और खिलाने की जो मोहब्बत है वो यहाँ की होती है। आपको पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है, जिस तरह से पान खिलाया, बहुत ज्यादा। मैं कहा ना, दो खा लिया, मतलब लगा कि जो जो कुछ दिन पहले फिल्म में खाई के पान बनारस था वो दिखा, कुछ उससे ज्यादा दिखा यार, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए, बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंगा किनारे वाला, और बस गंगा स्नान नहीं किया,
मैं सोच रहा था चुपचाप से जाकर हम कर ले, लेकिन मैं पक्का इंशाल्लाह आऊंगा मैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि मैंने जो घाट की तस्वीरें देखी हैं, फिल्मों में देखा है, टेलीविजन पे न्यूज में देखा हुआ है, मैं पहले दिन से कह रहा था मैं बोट में जाना चाहता हूँ और उस तरफ से घाट को देखना चाहता हूँ, और वो थोड़ा सा मैं वंचित रह गया उससे, लेकिन जरूर आऊंगा मैं। ये हमने तीनों ने कहा, अब आप लोग दुआ करो फिल्म चले तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम यहाँ। वो आपने कहा कि बनारस की गाइड बड़ी फनी है, यहीं का गाइड पूरे देश का गाइड भी है जी, सारा समझ रहे हैं जी, मोदी जी जी यहीं के सांसद भी हैं, देश को किस तरह से ले जा रहे हैं गाइड कर रखे। आई थिंक जब हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक है, हम अपना एक लीडर जब चुनते हैं तो वो पूरे के पूरे लोग मेजॉरिटी में चुनते हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, और जो लीडर चुना जाता है आई थिंक पहली बात एक उस पर यकीन और एक उसमें बिलीफ, और दूसरी बात उसको थोड़ा सा वक्त देना जरूरी है। हम लोग थोड़ा सा बाय नेचर, हर कोई, हम ही नहीं कि यार कल हो जाना चाहिए, आई थिंक उनकी गाइडेंस में, उनकी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर वी हैव टू गिव इट टाइम एंड नो द फैक्ट कि ही विल गाइड द कंट्री टू ग्रेटनेस, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो उनके साथ है और उनकी जो डेवलपमेंट के आइडियाज हैं वो फैंटास्टिक हैं, अगर ये सब बातें हो, लेकिन आई थिंक हमको पेशेंस बहुत लाजमी है कि यार होगा, सुबह नहीं हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन होगा जरूर। शायद जी कुछ लोग कह रहे थे कि इंटॉलरेंस देश में आ गया है। आपने पहली बार काम किया शांत सर जी, कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस था, सोचा ना था से अब जब हैरी मेट सीजन, कैसा था एक्सपीरियंस? सोचा ना था, मैं भी, मेरे एक प्रोड्यूसर थे वो चाहते थे कि शाहरुख खान फिल्म करें, तो एक्चुअली पहले कोई और प्रोड्यूसर थे, फिर वो उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि फिर शाहरुख खान नहीं थे उस पिक्चर के अंदर, अभय देओल थे, तो अभी मौका मिला है 6 फिल्मों के बाद कि शाहरुख खान मेरी फिल्म है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अभी भी प्रोड्यूसर ने पिक्चर छोड़ दिया तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया। जब आपने पान खाया तो क्या उस दौरान अमित जी की कहीं ना कहीं याद आई आपको, बिग बी की याद आई? 100% यार, ये तो गाना ही, मतलब इसकी अजीब सी हिस्ट्री है, ये पता है गाना मनोज कुमार साहब ने फिल्म में डलवाया था, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, आई थिंक मिस्टर बैरोट डायरेक्टेड द फिल्म डॉग, एंड जब ये फिल्म बन गई तो मुझे मनोज साहब ने बताया था, मैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने फिल्म दिखाई उनको, उनके असिस्टेंट थे डायरेक्टर थे, और उन्होंने कहा यार इस यहाँ पे एक जगह में गाना होना जरूरी है, तो उस सेट पे बनाया गया वो गाना। अच्छा। और उन्होंने ही गाना दिया है, तो जब भी वो खाई के पान बनारस वाला बात आती है तो ऑफकोर्स अमित जी का ही इमेज आता है। अच्छा, आपकी जो फिल्म की स्टोरी है वो प्रेम कहानी है और जो नयापन है ये पुरातन नगरी है, तो किस तरह से भाव, किस तरह के मन में क्या देखा आपने, चूंकि आप भी यूथ के बीच में थे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा यूथ जो एक्साइटमेंट दिखा, क्या देखा? इसका जो जवाब है ना, मैं एक्चुअली इम्तियाज को चाहूंगा देना, मैं देता क्योंकि मैंने इनसे सुना है इसका जवाब, इनको मैं बिगिनिंग कर दूंगा लेकिन खत्म ये करेंगे। इनका जो फिल्म की कहानी है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इम्तियाज की जो जबानी है वो बहुत यूथफुल और नई है, उसमें एक नयापन है, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ट्रेडिशनल और हमारे कल्चर में सीप्ड है, जैसे हमारी प्रेम कथाएँ होती हैं। और इनका ये कहना था जब हम बनारस आ रहे थे कि मुझे सबसे अच्छी बात वाराणसी की ये लगती है कि यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे पोइट्री है, यहाँ पे संत कबीर हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लिटरेचर है, प्रेमचंद जी, सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीप्ड है, और यहाँ पे जवानी है, तो क्योंकि यहाँ का जो यूथ है बहुत एक्टिव है, मैंने जैसे जब प्रचार हो रहा था यहाँ पे पहले भी, तो लोग बात करते थे, यंग लोग अबाउट टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सो आई थिंक हमारी फिल्म भी वैसे ही मिक्स है, मैं मजाक से कह रहा था कि पुरानी जवानी या जवानी जो पुरानी, आई थिंक उसका मिक्स है, हमारी फिल्म भी बिल्कुल वही है, प्रेम कथा है लेकिन उसकी भाषा नहीं है, उसका प्लेटफॉर्म नया है, तो ये जो मिक्स है, शायद हम जब कॉलेज से निकल रहे थे यही बात कर रहे थे कि यहाँ के बच्चों को बहुत पसंद आई। अनुष्का मैम, सॉरी आखिरी सवाल लेंगे प्लीज, ये तीसरी फिल्म है आपकी सर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और साथ ही साथ इस मूवी के जो ट्रैक्स हैं वो सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो आप तीनों का फेवरेट ट्रैक कौन सा? एक्सपीरियंस तो बेटर होते जाता है फिल्म के साथ, मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों ने जितनी भी कहानियाँ करी हैं, जितनी भी फिल्म्स करी हैं, वो लव स्टोरीज ही रही हैं, लेकिन कुछ अलग उसकी लैंग्वेज रही है या कैरेक्टर्स अलग रहे हैं, जहाँ से वो है वो जगह स्पेशल रही है, और मैं खुश हूँ कि लोगों को हमको साथ में देखना अच्छा लगता है, और अभी हम ये फिल्म कर रहे हैं जिसमें लोग हमको पसंद कर ही रहे हैं, आगे जाके भी हम एक और फिल्म करने वाले हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बेटर होते जाता है।
इनके साथ. जो गाने हैं, गाने तो बहुत ही फैंटास्टिक. मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि यू नो मेरी फिल्म के गाने, बट सही में मतलब ये गाने बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर ये गाने हैं. अभी एक और हमारा गाना रिलीज होने वाला है, फुर 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 फुर. और हाँ, अलग अलग टाइप के गाने हैं. मेरा फेवरेट गाना राधा है. आज कॉलेज में लोगों का गानों के बारे में एक छोटी सी बात बोलूंगा कि हम सब ने फिल्मों में बहुत अच्छे गाने किए अपनी अपनी अलग फिल्मों में भी, लेकिन गाने की खुशी और तमीज तभी होती है जब वो सिचुएशन के साथ जुड़ा होता है. तो जो सफ़र है वो एक 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 टूरिस्ट की टूर गाइड की कहानी बोल रहा है. बीच बीच में रिश्ता बता रहा है जो ना पक्का है ना कच्चा है, ना असली है ना नकली है, कहीं बीच बीच का रिश्ता है. फिर एक गाना है हमारा हवाएं, जो एक प्योर लव स्टोरी है जिसमें हवा की तरह, जैसे हवा का रुख कभी भी बदल जाता है, कहाँ से आती है पता नहीं होता, प्यार वैसे आया. सो आई थिंक जो सिचुएशन है, और भी जो राधा उसके अंदर है कि ट्रैक्टर से ऊंची आवाज़ में वो गाते हैं और लड़की जो है वो थोड़ा डोसाइल गाती है. तो आई थिंक जितने भी गाने हैं इम्तियाज, प्रीतम दा और इरशाद खान साहब ने मिलके बहुत सिचुएशन के हिसाब से लिखे, इसलिए बड़े. जैसे फुर है वो है आज़ादी का गाना, कि एक एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन, तो वो आज़ादी जो है फुर जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो उस हिसाब से लिखा है. तो बड़े सिचुएशन है आई थिंक, इसलिए और भी भाएंगे लोगों को फिल्म के बाद, और अभी भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ कहानी जरूर है गानों से जुड़ी हुई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. आपके प्रोजेक्ट क्या हैं? पूरी नहीं हो पाई तो क्या कोई फिल्म भविष्य में यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से? इंशाल्लाह. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कहानी में जो सिटी होती है या जो जगह होती है हमेशा कैरेक्टर होना चाहिए. जैसे सेजल हैरी है वैसे बनारस भी होना चाहिए. तो मुझे कोई मौका दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी मैं आऊँगा यहाँ पे जैसे मैंने बोला फिल्म को सेलिब्रेट करने, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं चाहूँगा आके यहाँ फिल्म करूँ क्योंकि पिक्चरस भी बहुत है वाराणसी. तो कोई अभी अभी कोई फिल्म में नहीं है, अभी एक मेरठ में स्थित फिल्म है जो मेरी हमारी अगली है दोनों की. बट ज़रूर मौका मिले, और अगर कैरेक्टर हो बनारस, क्योंकि इतना खूबसूरत कैरेक्टर शायद ही देश में कहीं मिले एक सिटी का, तो आई वुड लव टू कम इन गो फिल्म. थैंक यू.